गुड इवनिंग एवरीवन, मैं एकता गोयल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने लाइव में। मैं बनाने वाली हूँ आज एक बहुत ही झटपट और यम्मी बनने वाली रेसिपी, जो गर्मी के मौसम में आपको बहुत ही अच्छा लगने वाली है। उसका नाम है मैंगो मस्तानी। मैंगो मस्तानी कहने को तो एक मैंगो शेक टाइप सी होता है, पर उसमें थोड़े से ट्विस्ट की जरूरत है, तो वो एक और यम्मी रेसिपी हमें मिल जाती है। तो बनाते हैं आज एक मिलकर मैंगो मस्तानी। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने एक मैंगो को बारीक बारीक काट लिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ अमूल का फुल क्रीम मिल्क, क्योंकि ये मिल्क बेस्ट है और मैं इस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमें एक बड़ा बाउल लेना है या कुछ बड़ा ग्लास टाइप। मैं एक बड़ा बर्तन ले रही हूँ जिसमें मैं ऐड करूंगी एक गिलास फुल क्रीम मिल्क, जो मैंने अमूल का मिल्क लिया है, उसको बॉईल करके मैंने रख लिया था। थोड़ा सा ऐड कर दी इसमें बर्फ, जिसको मैंने तोड़ लिया है। चीनी आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं। अगर मैंगो ज्यादा पका हुआ है तो चीनी आप बहुत कम यूज कीजिएगा। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच चीनी, और ये मैंने एक बड़ा मैंगो लिया था जिसको मैंने कट कर लिया है। तो इसको ब्लेंडर की हेल्प से शेक बना लेते हैं। बहुत थिक शेक हमें मिल गया है। तो यहाँ हमारा शेक रेडी है। अब हमें तैयारी करनी है मैंगो मस्तानी की। तो मैं यहाँ 2 ग्लास बनाने वाली हूँ। यहाँ थोड़ा सा मैंने बारीक और मैंगो कट किया है।
जिसे मैं ग्लास में डालूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी रोज सिरप। थोड़ी सी ऐड करूंगी इसमें वनीला आइसक्रीम। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। और ये जो शेक हमने रेडी किया है वो अब इसमें फिर ऐड करेंगे थोड़े से मैंगो के पीसेस। आइसक्रीम ड्राई फ्रूट्स जस्ट 10 मिनट में हमें अपनी ये एक यमी रेसिपी मिल गई है जिसका टेस्ट फ्लेवर सब कुछ बहुत यमी आने वाला है। तो आप एकदम झटपट वाली बनने वाली रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको इसको झटपट रिकैप बताती हूँ। मैंने यहाँ बनाया है मैंगो मस्तानी, जिसके लिए मैंने लिया था एक पका हुआ मीठा आम, जिसको मैंने बारीक कट के एक नॉर्मल मैंगो शेक जैसा शेक बना लिया है, जिसमें मैंने चीनी बर्फ और फुल क्रीम दूध का यूज किया है। मैंने यहाँ अमूल का फुल क्रीम दूध यूज किया है। देन शेक बनाने के बाद मैंने इसमें रोज सिरप डाला है और वनीला आइसक्रीम, थोड़े से मैंगो के पीसेस और अपना शेक मैंने इसमें डाला है। उसके बाद इसमें मैंगो की मैंने थोड़ा सा ऊपर से डेकोरेट करने के लिए थोड़े से मैंगो के पीसेस और आइसक्रीम और थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ इसे सर्व किया है। आप इसे एकदम चिल्ड सर्व कीजिए और मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। हम फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय।